पार्टी ही डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसको सीएम किसको बनना चाहिए, तो फिर जनता कैसे डिसाइड करे? कभी ये स्टडी पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी सीयूटी आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब हमेशा इश्यूज ही रहता है। एज ए स्टूडेंट कभी हम लोग को चैन नहीं मिल रहा है। महिलाएं अगर इसमें आ गया है तो हो सके हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। महिलाओं को तो आना चाहिए, बट हर महिला एक जैसी नहीं होती है। झारखंड में बीते दिनों हुए सियासी उथल पुथल के समय से ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तेज है। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरने के बाद कल्पना सोरेन सोमवार को रांची लौट आई। इसके बाद से ही उनकी चर्चा न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश में होने लगी है। तो ऐसे में कल्पना सोरेन को जनता कितना जानती है और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखती है या नहीं, यह जानने के लिए हम पहुंच गए हैं रांची वुमेन्स कॉलेज। जो हमारे पूरे मुख्यमंत्री हैं उनकी धर्मपत्नी हैं। तो आपको क्या लगता है वो राजनीति में कैसे रहेंगी, क्या लगता है उनकी एंट्री जो है जेएमएम के लिए कितना अच्छा होने वाला है, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, अभी देखेंगे, जिस तरह से वो हर जगह अपने आप को एक्टिव रखी हैं, जेल जाने के बाद, जब अभी तो मुख्यमंत्री, हम लोग के पूरे मुख्यमंत्री जेल में ही है, उनके जाने के बाद वो खुद को एक्टिव रखी हैं हर जगह, उन लोग मतलब अपना पार्टी को मोटिवेट तो कर रही हैं, क्योंकि एक चेहरा चाहिए पार्टी को जो कि वो बनने का कोशिश कर रही हैं, वो अपना अपना 100% दे रही है। लेकिन हमको लगता है जैसे कि अभी जो झामुमो पार्टी है, ये जो जितना देर दिन भी सत्ता में थी, अब तो उनका सत्ता ही समाप्त होने वाला है, कार्यकाल अब अंतिम ही पड़ाव पे है, तो लेकिन अभी जितना दिन भी वो सत्ता में थी वैसा कुछ खास एक्टिव नहीं रही। वो जितना भी हम लोग का वैकेंसी आया वो सरकारी नौकरी का, उसमें भी वो लोग रिजल्ट ढंग का वो लोग दे नहीं पाया। डेवलपमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए स्टूडेंट हम तो वैकेंसी को देखेंगे, हम तो नौकरी को देखेंगे, उसमें भी हमको यही दिखाया गया कि वो हम लोग जनता को निराश ही किया है। तो कल्पना सोरेन सीएम के रूप में कैसे रहेंगे? सीएम का चेहरा नहीं चुन सकते ना, क्योंकि वो लोग तो गठबंधन पे है, वो लोग तो पार्टी गठबंधन पे है। जब वो लोग खुद ही उसको डिसाइड नहीं कर पाता है, वो पार्टी ही डिसाइड नहीं कर पाती है कि उसको सीएम किसको बनना चाहिए, तो फिर जनता कैसे डिसाइड करे? तो इस बार आप झारखंड में किसको सीएम के रूप में देखना चाहेंगी? जो भी सत्ता है बस वो गठबंधन का नहीं हो, क्योंकि गठबंधन होना ही ऐसा हो जाता है कि वो पार्टी ही कोई डिसीजन को श्योरली नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि जो भी सत्ता में आए वो पूर्ण बहुमत के साथ आए। पूर्ण बहुमत का सरकार रहता है तो फिर डिसीजन लेने में सही रहता है ना। इसमें हो जाता है कि कोई एक पार्टी हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, अगला पार्टी सरकार, तो हम लोग झारखंड में देखे हैं कि सरकार कितना जल्दी गिरता है। इसका कारण मुख्य फीमेल्स को बढ़ना चाहिए, महिलाओं को तो बढ़ना ही चाहिए आगे, और फिर बेसिकली अभी महिलाएं ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं होती क्योंकि उनको नॉलेज भी नहीं है। महिलाएं अगर इसमें आ गया है तो हो सके हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो मुझे ये लगता है कि आना तो चाहिए एज़ पर माई अकॉर्डिंग। देखिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए महिलाओं को खुद में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसमें मेल्स लोग हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। महिलाओं को पॉलिटिकल्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में होना चाहिए, लेकिन उसके लिए महिलाओं को सबसे पहले अपने ओपिनियन देना होगा। ये नहीं कि काम खुद कर रही है और उसके पीछे सारे पुरुषों लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्पना सोरेन के बारे में क्या जानती है और क्या? मैं कल्पना सोरेन के बारे में पर्सनली जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटी है तो आना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। एक नाम अभी राजनीति में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है कल्पना सोरेन का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि वो कैसे राजनीति में कैसा चेहरा होंगी, आगे आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं या नहीं? कल्पना सोरेन को मैं पहले से भी जानती हूँ और मैं उन्हें एक मुख्यमंत्री की तरह देखती हूँ। यंग लेडी हैं और एज अ लेडी मैं उनको ज़रूर सपोर्ट करूँगी, मेरा फैमिली भी सपोर्ट करेगा, और मैं चाहती हूँ कि वो मुख्यमंत्री बने। और वो मेरे एरिया में भी आई थी, मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह वहाँ पर भी सुना है, तो पर्सनली मुझे पसंद है और अच्छा रहेगा अगर वो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनती है झारखंड की। तो हेमंत सोरेन कैसे लगते थे आपको, उनका काम कैसा लगा, क्या लगता है किस एरिया में काम करना अभी चाहिए कल्पना सोरेन अगर वो आती हैं? कल्पना सोरेन के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि पर्सनली मेरा भतीजा एक बीमारी से जूझ रहा था, तो मैं रिम्स में इलाज करा रही थी। मेरे को पर्सनली लगा कि रिम्स का हालत थोड़ा ख़राब चल रहा है, मतलब पेशेंट्स को मैंने देखा तो मुझे मतलब अंदर से लग रहा था कि मैं शायद कुछ कर पाती, बट मेरा उतना एज नहीं है अभी कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन
मैं अपनी लाइफ में ज़रूर वहाँ जाके कुछ ना कुछ सपोर्ट करूँगी जब मैं फाइनेंशली स्ट्रांग हो जाऊँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मुख्यमंत्री हैं तो इंटरनली जाके देखें, ऊपर से तो सब सही से दिखाते हैं लेकिन अंदर में बहुत दिक्कत है उसमें। हम खुद से, मेरा भतीजा का वहीं से इलाज हुआ है, मैं खुद देखी हूँ, जानी हूँ, और मैं चाहूँगी कि मुख्यमंत्री हैं तो जाके इंटरनली देखें, पेशेंट से बात करें क्या है वहाँ का खाना का कंडीशन, इतना बदबू देता है बाथरूम, इतना गंदा कंडीशन है हॉस्पिटल का कि कुछ कहना नहीं है। मैं रिम्स से इलाज कर रही हूँ इसलिए मैं रिम्स के बारे में बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? नहीं। क्यों उसके पीछे? क्योंकि क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है एज अ मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी किया है झारखंड के लिए। और जहाँ रहा सवाल हम लोगों के लिए, तो जनरल के लिए तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। और अभी अचानक से उनका चेहरा बहुत, मतलब उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है जब से ईडी के हिरासत में है हेमंत सोरेन। क्योंकि तो उनका ठीक है वो मैटर बाद में करता है, पर मैं जहाँ तक जान रही हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि पहले हम लोग झारखंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ये था, कर्जे में था, पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इतना मजबूत किया और इलेक्ट्रिसिटी सबके घर तक पहुंच पाया। कर्जे में था पहले जब हेमंत सोरेन सरकार नहीं था तब, उसके पहले मे बी वो एज अ सीएम अच्छा काम कर सकती हैं क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड है और वो फीमेल है, तो मे बी वो फीमेल को लेकर ज़्यादा काम कर सके। और हमारे राजनीति में जैसे हम लोग देखें कि उतना वेल एजुकेटेड लोग नहीं है, वो काफ़ी वेल एजुकेटेड है, तो मे बी वो उस सेंस में सोचे एक अच्छे खासे, मतलब फीमेल्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के वो अच्छा सोच सकती हैं, मतलब एजुकेशन सेक्टर में वो काम कर सकती हैं। आपको JMM कैसा लगता है, मतलब आप उससे संतुष्ट थी? नहीं नहीं। कारण उसके पीछे? रोड बनते हैं, रोड बनने के बाद रोड तोड़ दिए जाते हैं, उसमें कभी पाइप डल रहा है, कभी सांस लेने का तक का जगह नहीं होता, इतना धूल हो रहा है, सारे स्टूडेंट्स को इशू हो रहा है, कभी ब्रिज बन रहा है तो इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते, कभी ये स्टडी पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी CUT आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब हमेशा इशूज ही रहता है। एज ए स्टूडेंट कभी हम लोग को चैन नहीं मिल रहा है। और आपको लगता है कि कल्पना सोरेन के आने से, क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो ये बदलाव हो सकता है? हाँ, मे भी। देखिए, महिलाओं को और आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, तो उनको आगे आना चाहिए राजनीति में? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला की परेशानी समझ सकती है। तो मतलब एडुकेशन के सेक्टर में भी डेवलपमेंट के तौर पे, क्योंकि बहुत सारी अभी भी गांव की लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, तो मे बी उस फील्ड में डेवलपमेंट हो अगर कल्पना सोरेन CM बने तो। आपको झारखंड में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको लगता है कि काम करना चाहिए मुख्यमंत्री को? बहुत सारा पिछड़ा इलाका है, जैसे पलामू में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे अभी भी बिजली का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो उधर साइड पांकी उधर साइड, अभी सामने लोहरदगा, हाँ, खूटी, ये सारे गांव में भी बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स है। तो राजनीति में आएंगी तो आपको क्या लगता है महिलाओं को और आगे आना चाहिए राजनीति में? ऐसे महिलाओं को तो आना चाहिए, बट हर महिला एक जैसी नहीं होती है, कोई कुछ कोई कुछ, कोई आगे बढ़ाना चाहती है, कोई अपने लिए ही सोचती है कि आगे हम खुद ही बढ़ें। तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में आप कल्पना सोरेन को देखती हैं? देखते तो हैं, बट कंफर्म नहीं है अभी कि हो पाएगी या नहीं, बन पाएगी या नहीं। क्यों, उसके पीछे का कारण? क्योंकि उसके हस्बैंड के बारे में जो पता चला है शायद ईडी के हिरासत में, जी, तो उसके कारण भी शायद ना बन सके। तो आपको लगता है वो प्रभाव डालेगा? जी जी। अभी एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, वो है कल्पना सोरेन का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। तो आपको क्या लगता है उनके बारे में, कितना जानती है, और क्या महिलाओं को ऐसे राजनीति में आना चाहिए और ज़्यादा? वैसे तो महिलाओं के बारे में तो उनको आना चाहिए, और हम लोग के लिए वुमेन्स के बारे में सोचे, आगे उन लोग के जो भी हो वो लोग के बारे में सोचे, कुछ करें, तो मेरा तो सपोर्ट रहेगा ही। तो कल्पना सोरेन को आपको कैसे देखती है एज अ मुख्यमंत्री, आप देखती हैं उनको कितना आगे बढ़ेंगे वो? जी, उनके बारे में तो ज़्यादा तो नहीं पर सुने हैं, तो हमको लगता है कि उनको बनना चाहिए। बनना चाहिए जी। आपको कैसे लगते हैं हेमंत, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे लगते हैं? उनका ठीक था सब, तो बीच में थोड़ा सा इधर उधर का बात से हो गया है, बट अब बड़े हैं तो कितना, हम लोग ज़्यादा तो स्टूडेंट हैं तो बोल नहीं पाएंगे उतना, तो यही बोलेंगे कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो और हम लोग को सपोर्ट रहेगा, बट
अब सब लोग बोलते हैं तो हमको लगता है कि इस बार नहीं जाना चाहिए उनका वोट। तो देखा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के बारे में ये छात्राएं क्या सोचती हैं। इसमें आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।